पशुपालन विभाग में कार्यरत एआई कर्मचारी संघ के 48 कर्मचारियों ने मंत्री मिथिलेश ठाकुर से मिलकर 4 सूत्री मांग पत्र सौंपा। बताया कि एआई कर्मचारी ही पशुपालन विभाग में कृत्रिम गर्भधान से लेकर टीकाकरण सहित सभी पशुपालन विभाग का कार्य करते हैं। उसके एवज में कर्मियों को मासिक मानदेय के रूप में 1500 रुपए दिए जाते हैं, जो काफी कम होने से परिवार का भरण पोषण नहीं हो पाता। संघ ने मंत्री को बताया कि न्यूनतम मजदूरी के आधार पर एआई कर्मचारी का मानदेय निर्धारित किया जाए और वर्षों से कार्यरत कर्मचारियों को नियमावली तैयार कर वरीयता सूची निर्गत किया जाए। साथ ही पशुपालन विभाग में तृतीय और चतुर्थ पद के रिक्त पदों पर एआई कर्मचारी को वरीयता और योग्यता के आधार पर नियमित किया जाए। फिर बोलिए। माननीय स्वच्छ मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी के यहाँ हम लोग अपना मांग पत्र सौंपे। मांग पत्र में मेरा मांग पत्र है एआई कर्मचारी की न्यूनतम मजदूरी के आधार पर 2019 से बकाया राशि का भुगतान किया जाए। मंत्री झारखंड सरकार और उस संबंधित पशुपालन मंत्री से हम लोगों के सामने बात किए हैं और हम लोगों को भरोसा बंधा है कि हम लोगों का जो मांग है उसको मान लिया जाएगा। है ये में है नॉलेज में बढ़ा रहे ना 1500। हम भी बढ़ाए हैं जन सहिया लोग का अभी प्रस्ताव, तो इन लोगों को भी।